नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद साथियों। आप सभी का तहे दिल से स्वागत करते हैं यूजीसी अड्डा के इस महामंच पे। आज यूजीसी पे जो हम पढ़ने जा रहे हैं, बड़ा ही महत्वपूर्ण, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, दिल्ली सल्तनत और सूफिज्म भक्ति मूवमेंट से रिलेटेड सवाल आज हम कवर करेंगे। वो सवाल जो अक्सर आपके एग्जाम में उलझाने की कोशिश करता है, वो सवाल जिसे आज हम लोग बहुत आसानी से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सभी लोग जितना जल्द से जल्द हो क्लास में मौजूद हो जाए, ताकि हम एक एक सवाल को ढंग से जान सकें। सभी लोग थोड़ा स्पीड में, सभी के सभी लोग आ जाएं क्लास में, ताकि एक एक क्वेश्चन हमारे लिए महत्वपूर्ण जितने भी हैं, सभी को हम डिटेल में डिस्कस कर सकें। साथियों, सबसे पहले तो सभी लोग रेडी होंगे ही, आई विश, और एक एक बार सभी लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल को करते चलें जो नए कैंडिडेट्स हैं। और इस क्वेश्चन के पड़ाव में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यह है कि क्वेश्चन मैंने बहुत ज्यादा नहीं रखे हैं, लेकिन बहुत टेक्निकल क्वेश्चंस रखे हैं। इसमें से हो सकता है कि लास्ट के दो चार क्वेश्चंस आपने इससे पहले भी सॉल्व किया हो, लेकिन कुछ सवाल ऐसे हैं जो हो सकता है कि आपको फंसा भी सके। तो साथियों, एक बार सभी लोग जोड़ लगाकर क्लास को लाइक शेयर कर दें, फिर चलते हैं क्लास के एक एक क्वेश्चन को डील करने। सूफिज्म एंड भक्ति मूवमेंट से रिलेटेड जितने ज्यादा से ज्यादा सवाल बन सकते थे, मैंने आप सभी के लिए सवाल लेकर आए हैं। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग चरण स्पर्श सभी को। चलिए बिना किसी इंतजार के चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द लाइफ ऑफ सेंट्स। क्वेश्चन को देखते हैं कि ऑल सेंट हैड अ प्रेफरेंस फॉर अर्बन सेंट। He used to move toward the life of a monk. Celibacy was not implemented. All of the above, which will be the correct answer? Questions की ओर बढ़ते हैं बिना किसी इंतजार के। सर, ancient का एक मैराथन क्लास लीजिए संडे को। अभय, डोंट वरी, ये मैंने वादा किया है, मैं आप लोग की क्लासेस मैराथन तो लेने वाला ही हूँ, और कंटिन्यू अब मैं सोच रहा हूँ कि क्लासेस आप लोग का चले, सैटरडे को भी चले और संडे को भी चले, तो घबराने की जरूरत नहीं। आप लोग से ज्यादा आप लोग की फिक्र मुझे है, बस आप लोग इतना करें कि थोड़ा बहुत मेहनत और बढ़ाना शुरू कर दीजिए, तभी जाकर मजा है। देखिए, सूफी संतों के जीवन के संबंध में कौन सी निम्नलिखित में से सही नहीं है? सही नहीं है पूछा है, नॉट करेक्ट रिगार्डिंग दी। अच्छा, क्वेश्चन को देखते हैं कि संत शहरी क्षेत्रों के लिए एक प्राथमिकता रखते थे, वे सन्यासी के जीवन की ओर अग्रसर होते थे, ब्रह्मचर्य कार्यान्वित नहीं कराया जाता था, उपरोक्त में से सभी। विच इज द करेक्ट आंसर, विच इज द करेक्ट आंसर। देखो, इस क्वेश्चन की तरफ चले हम, इस क्वेश्चन की तरफ, कि सूफी संतों के जीवन के संबंध में कौन सा निम्नलिखित सही नहीं है। संत शहरी केंद्रों के लिए एक प्राथमिकता रखते थे, नहीं रखते थे, ये इनकरेक्ट है। वे सन्यासी के जीवन की ओर अग्रसर होते थे, सन्यासी में सबके सब तो नहीं बोल सकते हो, कुछ हद तक रहते थे, ब्रह्मचर्य कार्यान्वित नहीं कराया जाता था, ऐसा भी नहीं है, उपरोक्त में से सभी, ये आपके सभी के सभी इनकरेक्ट आप कह सकते हैं। ऑल ऑफ द एबव इज इनकरेक्ट, डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को ध्यान से देखते हैं, ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने आंसर्स किया है, एक स्टूडेंट का आंसर, एक दो स्टूडेंट का आंसर सही है। फॉलोइंग स्टेटमेंट अबव द सूफिज्म आर नॉट करेक्ट, फिर नॉट करेक्ट पूछ रहा है, देख रहे हो क्या पूछ रहा है, नॉट करेक्ट पूछ रहा है। गुड इवनिंग एवरीवन, ध्यान से आंसर्स करते चलेंगे। सूफिज्म कंसीडर्ड द ऑर्थोडॉक्स फंडामेंटलिज्म ऑफ इस्लाम टू बी द अनइम्पॉर्टेंट। सूफिज्म वॉज बेस्ड ऑन द इमोशनल लव फॉर द सुप्रीम पावर एंड डेडिकेशन एंड सेल्फ रियलाइजेशन बिफोर इट। Sufism was based on the asceticism philosophy. He believed in the idol worship. Easy question, बहुत easy question है। कौन सा कथन सही नहीं है? बहुत अच्छा question है, बहुत अच्छा। Which will be the correct answer? मेरे बच्चों, मेरे साथियों, एक बार क्लास को लाइक शेयर करते चलेंगे सभी लोग, और देखते हैं कि क्वेश्चन क्या क्या पूछ रहा है। कि सूफीवाद के विषय में निम्नलिखित कथन सही नहीं है। सूफी इस्लाम धर्म के रूढ़िवाद कट्टरवाद को महत्वहीन मानते हैं, महत्वहीन मानते हैं, ये सही है। सर्वोच्च शक्ति के प्रति भावना युक्त प्रेम तथा उसके समक्ष पूंजी समर्पण तथा आत्मभाव पर सूफिज्म वाद खड़ा था, ये भी करेक्ट है स्टेटमेंट। सूफीवाद संन्यास दर्शन पर आधारित है, बिल्कुल है, दर्शन पे आधारित है,
मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते हैं. अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन डी विल बी द करेक्ट आंसर. क्या हो जाएगा बच्चा? डी अभी वाले सभी स्टूडेंट्स का करेक्ट है आंसर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ध्यान से आंसर कीजिएगा सभी लोग. टू गेट देमसेल्फ एक्सपेक्टेड एक्सेप्टेड बाय इंडियन आइडियाज सूफिज्म अडॉप्ट द मेनी लोकल रिचुअल्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हिंदू एक्टिविटीज वाज नॉट अमंग देम. क्वेश्चन देखिएगा पहले क्वेश्चंस को समझिए. कहता है कि स्वयं को किसको स्वयं को भारतीय विचारों से स्वीकृत पाने के लिए सूफियों ने बहुत सी स्थानीय क्रियाओं का ग्रहण कर लिया. निम्नलिखित में से कौन सी क्रियाएं उनके बीच नहीं थी? ये क्वेश्चन पूछा है. नवीन प्रवेश पाने वाले प्रवेश पाने वालों द्वारा अपने सिर के बाल मुड़वाना, अनेक मठ अथवा खानका मुस्लिम मीनारों के प्रारूप पर बनवाए गए, उन्होंने स्थानीय लोगों के माथा टेकने अथवा नमस्कार करने को स्वीकार किया, ये लोग उनमें से उनसे मिलने आते थे या संत नगरों में रहते थे. कह रहा है कि बहुत सी स्थानीय क्रियाओं को ग्रहण कर लिया, निम्नलिखित में से कौन सी क्रियाएं उनके बीच नहीं थी? नहीं थी पूछा है फिर से. और ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में हो सकता है कि आपको फंसाए, आपको परेशान करे, ये ध्यान दीजिएगा. तो ये याद रखिएगा, नवीन प्रवेश पाने वाले अपने सिर के बाल मुड़वाना उतरवा लेते थे, ये कॉमन था, सूफियों में देखने को मिलता था. सूफियों ने बहुत सी स्थानीय क्रियाओं को ग्रहण कर लिया भारतीय, ठीक है, ये क्लियर है. निम्नलिखित में से कौन सी हिंदू क्रियाएं उनके बीच नहीं थी? ये ऑलरेडी था, ठीक है, नहीं थी पूछा. अनेक मठ अथवा खानका मुस्लिम मीनारों के प्रारूप पर बनवाए गए, ये भी था. उन्होंने स्थानीय लोगों के माथा टेकने अथवा नमस्कार करने को स्वीकार किया और वे लोग उनसे मिलने आते थे, ये भी ठीक है. संत नगरों में रहते थे, ऐसा स्टेटमेंट नहीं है, ऐसा चीजें आपको नहीं देखने को मिलता है. डी शुड बी द करेक्ट आंसर. ठीक है ए बच्चा लोग, ये टॉपिक वो है जितना पढ़ाया गया उसके बाद के चीजें क्या बन सकता है. जितना मेरा पढ़ाया हुआ और जितना यहाँ के क्वेश्चंस कर लिए, बाहर सवाल नहीं आएंगे, याद रखना. इतना ही को रिवीजन इतने अच्छे से कर लो कि काम बन जाएगा आपका एग्जाम, ठीक है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट वाज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द राइज ऑफ भक्ति मूवमेंट. नॉट फिर से, और ऐसे ही टर्म्स अगर आपसे पूछने लगे नॉट नॉट वाला, तो समझ रहे हो कि उसमें ज्यादा प्रॉब्लम होता है. The influence of the Brahmin was to reduce due to the overthrow of the power of Rajput by the Turk. Kabir made concurrent suggestions as to how a society based on justice equalities could be established. If royal protection was received, none of the above. Which will be the correct answer? देखिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व भक्ति आंदोलन के उदय के लिए उत्तरदायी नहीं था? नहीं था. तुर्कों द्वारा राजपूतों की सत्ता उखाड़ फेंकने से ब्राह्मणों के प्रभाव कम होना, कबीर ने समवर्ती सुझाव रखे जैसे किस प्रकार एक समाज जो न्याय तथा समानता पर आधारित हो स्थापित किया जा सकता है, राजसिक संरक्षण यदि प्राप्त होता, उपरोक्त में से कोई भी नहीं. विच विल बी द करेक्ट आंसर. थोड़ा सा स्पीड आंसर करते चलेंगे एवरी वन. विच इज द करेक्ट आंसर? देखो इसका जो आंसर होगा कि भक्ति आंदोलन के उदय के लिए उत्तरदायी नहीं, कबीर ने समवर्ती सुझाव रखे जैसे किस प्रकार एक समाज जो न्याय तथा समानता पर आधारित हो स्थापित किया जा सके, ये आपका नहीं होगा. नहीं जैसे कॉन्सेप्ट है, बाकी तो है ही कि उत्तरदायी है, बाकी ये नहीं है, ये स्टेटमेंट है. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कुछ लोग सी, कुछ लोग डी, कुछ लोग कुछ भी आंसर कर रहे हैं, चलिए खैर कोई नहीं. ये सब क्वेश्चन इजी है जो आप सॉल्व कर सकते हैं. पीर मुरीद शरीयत और हज, विच विल बी द करेक्ट आंसर. स्पीड में इसका हिंदी भी दिखा देते हैं. पीर मुरीद शरीयत और हज, विच इज द करेक्ट आंसर. थोड़ा सा फास्ट आंसर्स करते चलेंगे. और कोशिश आप लोग की रहे कि ज्यादा से ज्यादा परफेक्ट आंसर्स करने की, ठीक है. और मैं इतना जरूर कहूंगा कि जितना सॉल्व करवा रहा हूं यहां से क्वेश्चंस आपके पेपर में आ जाएगा, जैसे लास्ट टाइम आपके पेपर में देखने को मिला था, ठीक है. चलिए पीर
हू वर द पीर, पीर वर द टीचर, स्पिरिचुअल लीडर, दैट इज कॉल्ड द आध्यात्मिक गुरु। मुरीद कौन होते हैं, दैट इज कॉल्ड द अनुयायी, शिष्य को मुरीद कहते हैं। उसके बाद है शरीयत, शरीयत इज द इस्लामिक लॉ, और हज इज कॉल्ड द तीर्थ यात्रा केंद्र, मक्का जो लोग जाते हैं वो हज करने के लिए जाते हैं। राइट आंसर शुड बी द बी इज करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन में दम था नहीं ना, सब लोगों का सही है, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब देखिए वर्क है और दूसरी तरफ ऑथर, ठीक है, एक एक वर्ड को ध्यान से देखते चलेंगे। पदशक्तम, मुंतखबुल लुबाब, मिरातुल अहमदी, मिरातुल त्वारीबी। एक किताब तो मैंने एक वीडियो आप लोगों से शेयर किया था, एक वीडियो मैंने शेयर किया था अपना निजामुद्दीन दरगाह का, उसमें इस किताब का जिक्र है मुंतखबुल लुबाब का। आप लोग थोड़ा सा फास्ट कमेंट करके आंसर्स करते चलेंगे कि विच इज द करेक्ट आंसर, थोड़ा फास्ट। पदशक्तमस, मुंतखबुल लुबाब, मिरातुल अहमदी, मिरातुल त्वारीवी, विच इज द करेक्ट आंसर। अच्छा क्वेश्चन है, नाइस, वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोग क्लास को ध्यान से दिखते चलेंगे, ध्यान से सॉल्व करते चलेंगे, विच विल बी द करेक्ट आंसर। थोड़ा सा स्पीड बढ़ाइए, आज आप लोगों में थोड़ा कम एनर्जी दिख रहा है मुझे, सभी लोग थोड़ा फास्ट। अरे खा पी के आया करो, ठीक है, खा पी के आया करो, मन लगा के पढ़ा करो। रोज मैंने टॉपिक्स आप लोगों के बेहतर से बेहतर टॉपिक्स में लेकर आता हूं, एटलीस्ट खुद तो मेहनत किया करो। चलिए देखते हैं क्या आंसर हो जाएगा। पदशक्तमस अब्दुल हामिद लाहौरी, मुंतखबुल लुआब दैट इज कॉल्ड द शेख सरहिंदी, और मुंतखबुल लुबाब एक किताब और भी आप कह सकते हो कि इसके राइटर में एक व्यक्ति का नाम और आता है, दैट इज दी बर्नी साहब। बर्नी की बहुत सारी कंट्रीब्यूशन मुंतखबुल लुबाब में है, वैसे शेख अहमद सरहिंदी। नेक्स्ट है आपका मिरातुल अहमदी खफी खान और मिरातुल त्वारीवी, दैट इज कॉल्ड दी बदायूनी। आपका राइट आंसर शुड बी द ए इज करेक्ट आंसर, ए करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है, ए शुड बी द करेक्ट आंसर, ए वाले सभी स्टूडेंट करेक्ट। नवरात्रि था आज, तो खैर नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामना, आज तो लास्ट नवरात्रि है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन बहुत इजी है, जल्दी से बता दीजिए। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेंट बिलोंग्स टू द सगुन सेक्ट ऑफ कृष्ण, कृष्ण सगुन सेक्ट से एसोसिएटेड है, सगुन भक्त कौन कौन है। निम्नलिखित में से कौन सा संत कृष्ण के सगुन संप्रदाय, चैतन्य, मीराबाई, रामन, शूद्र और वल्लभाचार्य। बताइए थोड़ा सा फास्ट आंसर्स करते हुए, स्पीड में। थोड़ा सा स्पीड में ठीक। एक्चुअली क्या है कि बहुत सारी ऐसी किताबें हैं जिसमें कंट्रीब्यूशंस थोड़ा थोड़ा और भी राइटर की प्रायोरिटी बेस भी क्वेश्चंस कराए हैं, ठीक है, ध्यान से देखते चलेंगे। चैतन्य, मीराबाई, रामानंद, शूद्र और वल्लभाचार्य, ये क्वेश्चन पूछा है। तो इसमें अगर हम बात करें बेसिकली 1, 2, 1, 2, 4 और 5, 1, 2, 4, 5, 1, 2, 4, 5, आपका राइट आंसर शुड बी द ए इज करेक्ट आंसर, ए वाले सभी लोग करेक्ट है, ए इज करेक्ट आंसर, ठीक है, 7 का ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द सिखिज्म, सिख धर्म से एसोसिएटेड कौन सा है वो ध्यान दीजिएगा कि सिख धर्म के विषय में कौन सा कथन सत्य है। आज के टॉपिक पे आप फोकस करें, क्वेश्चंस पे फोकस करें,
काम आपके एग्जाम में बनने जा रहा है। यहां से क्वेश्चन आएगा, गलती नहीं होगी। गुरु अमरदास द्वारा हुमायूं को आशीर्वाद मिला था। अकबर ने अमृतसर में हर मंदिर के निर्माण के लिए भूमि अनुमोदित की थी। गुरु अर्जुन ने आदि ग्रंथ को 1606 ईस्वी में पूरा किया था। गुरु गोविंद सिंह की हत्या औरंगजेब द्वारा की गई थी। गुरु गोविंद सिंह जी की हत्या। अब आप इस क्वेश्चन को ध्यान से आंसर करने की कोशिश करेंगे कि विच इज द करेक्ट आंसर। देखो, गुरु अमरदास द्वारा हुमायूं को आशीर्वाद मिला था, हुमायूं को आशीर्वाद मिला था, यह स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। अकबर ने अमृतसर में हर मंदिर को अनुमोदित करने के लिए सिख धर्म के तीसरे गुरु को दान में दिया था, सरोवर नदी के किनारे, ठीक है। गुरु अर्जुन ने आदि ग्रंथ को पूरा किया था, ठीक है। गुरु गोविंद सिंह जी की हत्या औरंगजेब ने नहीं किया था, ठीक है, अफगानों के द्वारा की गई थी, अफगानों के द्वारा की गई थी, नांदेड़ में, नांदेड़ में, और वो भी कब, 1708 ईस्वी में, जबकि औरंगजेब मरा है 1707 ईस्वी में। तो ये इनकरेक्ट, 2 और 3 करेक्ट है सिर्फ। राइट आंसर शुड बी द बी इज करेक्ट आंसर। क्लियर है, डी क्यों होगा बच्चे, बी शुड बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, स्टेटमेंट पे फोकस कीजिएगा सभी लोग। कबीर एम्फेसाइज द फंडामेंटल यूनिटी इंडिविजुअल एंड स्ट्रॉन्गली एडवोकेटेड द हिंदू मुस्लिम यूनिटी। अब क्वेश्चंस बहुत अच्छे आने वाले हैं। ही अपोज्ड ऑल टाइप ऑफ डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन द रिलीजन कास्ट। देखो हिंदी में अनुवाद करके देखते हैं, कह रहे हैं कि कबीर ने व्यक्तियों की मौलिक एकता पर बल दिया और हिंदू मुस्लिम एकता की शक्तिशाली वकालत की। करेक्ट है, कबीर को ही नाउन मान के उसने सभी प्रकार के धर्म जाति के आधार पर होने वाले भेदभाव का विरोध किया। अब ये दोनों करेक्ट हो रहा है, एक दूसरे का कोरिलेट कर रहे हैं। अब बात करते हैं कथन ए तथा आर, कारण आर दोनों सत्य है, कारण आर ए की सही व्याख्या करता है। राइट आंसर शुड बी द ए इज करेक्ट आंसर। गुरु तेग बहादुर जी की हत्या औरंगजेब ने करवाया था, बिल्कुल सही है, 1699 के आसपास में, 1675 के आसपास में, चांदनी चौक में। 1699 में खालसा आर्मी की स्थापना हुई थी अगेंस्ट ऑफ द मुगल एडमिनिस्ट्रेशन और मुगल एक्टिविटीज के खिलाफ। और हालांकि ऐसा नहीं है कि जब गुरु गोविंद सिंह जी की हत्या हो गई उसके बाद ये थम गया, ऐसा नहीं है। इसके बाद जो है बंदा बहादुर जैसे कई लोगों ने जो है अगेंस्ट ऑफ मुगल, अच्छा मुगल के डिक्लाइन होने का कारण सिर्फ इंटरनल उसकी पॉलिसी नहीं, उन्होंने जो पॉलिसी पहले इंप्लीमेंट की है लोगों के द्वारा, लोगों के खिलाफ हर तरफ से, चाहे वो उधर देखें मराठा हो या रीजनल स्टेट्स जितने भी हैं, या जो रीजनल स्टेट पावर में आने के मोड में है तो वो अलग भड़काने की कोशिश है। तो बहुत कारण है, इन सभी कारणों को अगर ढंग से देखा जाए तब समझ में आएगा कि एक तो एक्सट्रीम लेवल का मतलब आप कह सकते हो कि बायगोटेड या फैनेटिक इस्लामिक लॉस इम्पोज किया गया औरंगजेब के समय, बहुत सारे ऐसे एक्टिविटीज हैं। चलिए मुद्दे पे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कि गुरु नानक लेड ग्रेट एम्फेसाइज ऑन प्योरिटी ऑफ कैरेक्टर एंड कोड ऑफ कंडक्ट। ये क्वेश्चंस पहले भी करवा चुका हूं। ही अलाउ हिज फॉलोअर्स टू फॉर्म अ न्यू रिलीजन सेक्ट ड्यूरिंग टाइम विच इज कॉल्ड द सिखिज्म। अब इस क्वेश्चन को हिंदी में देखें कि गुरु नानक ने चरित्र की पवित्रता तथा संहिता पर बड़ा बल दिया, उन्होंने अपने अनुयायियों को एक नए धार्मिक संप्रदाय के निर्माण की अनुमति अपने समय में ही दे दी थी, जिसे सिख धर्म कहा जाता है। अब विच विल बी द करेक्ट आंसर, इजी क्वेश्चन है, दिस इज द वेरी इजी क्वेश्चन। थोड़ा सा फास्ट आंसर्स करते चलेंगे सभी के सभी लोग, विच विल बी द करेक्ट आंसर। आई नो इस क्वेश्चन का आंसर आपको बहुत अच्छे से पता है कि गुरु नानक ने चरित्र की पवित्रता संहिता पर बल दिया, बिल्कुल करेक्ट है। उन्होंने अपने ही समय में ही सिख धर्म जैसे कॉन्सेप्ट की बात नहीं की थी। तो आपका ए इज करेक्ट और आर इज इनकरेक्ट। आपका राइट आंसर शुड बी द कथन ए सत्य है और आर असत्य है, सी शुड बी द करेक्ट आंसर, सी शुड बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, भक्ति सेंट वल्लभाचार्य सपोर्ट शुद्ध वैद्य फिलोसफी। देखो क्वेश्चन को देखेंगे, वल्लभाचार्य शुद्ध वैद्य फिलोसफी की बात करते हैं। वल्लभाचार्य के बारे में आप पुष्टि मार्ग में भी, इन्होंने पुष्टि मार्ग भी वल्लभाचार्य से एसोसिएटेड है ना।
He considered the soul completely identical with the Brahman and rejected the difference between the two. अब इसका हिंदी देखेंगे. भक्ति संत बल्लभाचार्य ने शुद्ध वेद दर्शन का समर्थन किया. उन्होंने पूरी तरह आत्मा को ब्रह्म के समान माना तथा दोनों के बीच अंतर को अस्वीकार किया. विच विल बी द करेक्ट आंसर, विच विल बी द करेक्ट आंसर. देखो, भक्ति संत बल्लभाचार्य ने शुद्ध वेद दर्शन का समर्थन किया, ठीक है. उन्होंने पूरी तरह से आत्मा को ब्रह्म के समान माना, इसी को तो शुद्ध वेद कहते हैं. तो दोनों एक दूसरे को कोरिलेट कर रहा है. जब ऐसे क्वेश्चंस को कोरिलेट करता है तब आप आंसर उस कंडीशन में क्या करते हैं, ए तथा आर दोनों सत्य है और आर ए का सही व्याख्या है. तो राइट आंसर विल बी द ए. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, बेटा क्वेश्चंस कर लो थोड़ा ज्यादा से ज्यादा. और आज मैं लिटरली कह रहा हूं कि आज के क्वेश्चंस ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ये वो क्वेश्चन है जो आपके पेपर में आने वाला है, ठीक है. भक्ति सिंह मेनली यूज्ड रीजनल लैंग्वेज टू स्प्रेड देयर टेक्निक प्रीचिंग अमंग द कॉमन पीपल. पहला क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे. दूसरा है कि दिल्ली सुल्तान्स एंड मुगल मेड पर्शियन लैंग्वेज देयर ऑफिशियल लैंग्वेज. देखो बहुत इजी क्वेश्चन है और इसमें आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, लेकिन दोनों अलग अलग स्टेटमेंट दिख रहा है. भक्ति संत मुख्यतः समान जनों के बीच अपनी शिक्षा उपदेश को फैलाने के लिए प्रांतीय भाषा का प्रयोग करते थे. बिल्कुल करेंगे, तभी तो आप जाकर समझ में आएंगे चीजें. और दिल्ली सुल्तान तथा मुगलों ने फारसी भाषा को अपनी सरकारी भाषा घोषित किया. दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है लेकिन एक दूसरे का व्याख्या नहीं करता है. आपका बी शुड बी द करेक्ट आंसर. क्लियर है? एक बार सभी साथी लोग क्लास को लाइक शेयर करते चलेंगे ज्यादा से ज्यादा. देखते चलते हैं क्वेश्चंस को आगे बढ़ाइए. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट. चैतन्य एज ही वाज द एम्बोडीमेंट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ द सन्यासी पॉपुलराइज्ड म्यूजिक और कीर्तन. रीजन ही रिजेक्टेड पूजा एंड वर्शिप ऑफ आइडल्स. देखो क्वेश्चंस को ध्यान से. चैतन्य जैसे बात करें, चैतन्य महाप्रभु बंगाल के गौड़िया संप्रदाय इसी से एसोसिएटेड बाद में हुआ था. विच विल बी द करेक्ट आंसर. थोड़ा स्पीड में, थोड़ा फास्ट आंसर्स करते चलेंगे. विच विल बी द करेक्ट आंसर. देखो, चैतन्य जैसा कि सन्यासी के अनुभव का रूप थे, ने संगीत अथवा कीर्तन को प्रचलित किया. कीर्तन चैतन्य प्रभु लॉर्ड कृष्ण के फॉलोअर में से, चैतन्य प्रभु के ही फॉलोअर्स ने, आप याद रखिएगा कि बंगाल में सन्यासी जैसे आंदोलन का आह्वान किया था. उन्होंने पूजा तथा बुतों की पूजा को अस्वीकार कर दिया. ऐसा नहीं है. आप इसका आंसर करेंगे कथन ए सत्य है और आर असत्य है. आपका सी शुड बी द करेक्ट आंसर. ये आज तो स्टेटमेंट और लेवल्ड वाला जो है, मुझे क्वेश्चंस इजी लग रहे हैं, काफी इजी क्वेश्चन है. अच्छा, मैं एक चीज जरूर कहूंगा आप लोगों को कि अगर कोई भी क्वेश्चंस में डाउट हो, मैं ऑलरेडी क्वेश्चंस सारे स्टूडेंट को शेयर कर देता हूं मैक्स टू मैक्स. मेरी कोशिश रहता है कि जो यूट्यूब की क्लासेस हो, हिस्ट्री बाय जावेद सर पे आपको मैक्सिमम टाइम मिल जाता है. तो कोशिश किया करो कि क्वेश्चंस को एक बार एनालाइज किया करो. एक अच्छे स्टूडेंट, यूट्यूब की क्लास का खास बात बताता हूं, यूट्यूब की क्लास के क्वेश्चंस को एनालाइज किया करो. एनालिसिस जरूरी है कि आपको बिटवीन द लाइंस की ये टॉपिक पढ़ाया सर ने, इस टॉपिक में से हम ये सभी पोर्शंस को बहुत अच्छे से स्ट्रांगली कर ले. तो जब इतना स्ट्रांग कर लोगे तो आपको दिक्कतें नहीं आएंगी. चलिए, भक्ति रिलीजियस बिलीव एफर्ट वर द रिजल्ट ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ इस्लाम ऑन हिंदुइज्म. रीजन इज कि द कॉन्सेप्ट ऑफ भक्ति मींस डिवोशन टू वन गॉड वाइल प्रिजर्विंग लव फॉर गॉड इन ऑर्डर टू सीक सॉल्वेशन. इसका हिंदी देख लीजिए क्या है. हिंदी को भक्ति धार्मिक विश्वास प्रयत्न हिंदू धर्म पर इस्लाम के प्रभाव का परिणाम था. और इसी कथन का तर्क क्या है कि भक्ति की अवधारणा से तात्पर्य है कि मुक्ति की खोज के लिए ईश्वर से प्रेम को संरक्षित रखते हुए एक ईश्वर की भक्ति करना. अब स्टेटमेंट आपका ये मिल गया ए बी सी डी. विच विल बी द करेक्ट आंसर. थोड़ा सा फास्ट कमेंट करते चलेंगे सभी के सभी. देखो, भक्ति धार्मिक विश्वास प्रयत्न हिंदू धर्म पर इस्लाम के प्रभाव का परिणाम था, ऐसा कुछ है नहीं. ये इनकरेक्ट है. भक्ति की अवधारणा से
तात्पर्य है कि मुक्ति की खोज के लिए ईश्वर से प्रेम को संरक्षित रखते हुए ईश्वर की भक्ति करना। आपका आर इज करेक्ट आंसर, ए इनकरेक्ट, आर इज करेक्ट। इसका मतलब है कि डी शुड बी द करेक्ट आंसर। देखो ऐसे जब क्वेश्चन हो ना तो अच्छे ढंग से पढ़ने की आवश्यकता पड़ता है, ठीक है। अच्छे ढंग से रीडिंग हैबिट्स डेवलप कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए। अच्छा इतिहास वही बहुत अच्छे से समझ सकता है जो प्रेजेंट को बहुत अच्छे से जानता है, जो प्रेजेंट में अच्छे से जीता है वही आपका फ्यूचर में जीता है। कहते हैं ना कि जिसका प्रेजेंट अच्छा है उसका मुस्तकबिल भी अच्छा होता है। तो इतिहास कोई भी हो, ऐसा तो नहीं कि अचानक से इतिहास बन गया है, आज जो आप करते हो कल के लिए वो इतिहास। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट, सेंट निम्बार्का वॉज अ कंटेम्प्रेरी ऑफ अकबर, सेंट कबीर वॉज हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय द शेख अहमद सरहिंदी, सरहिंदी, ठीक है, ये अलग अलग कर दिया गया सरहिंदी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, थोड़ा सा फास्ट कमेंट करते चलेंगे क्या आंसर हो जाएगा। देखो निम्बार्का वॉज कंटेम्प्रेरी ऑफ अकबर, नो He was not the contemporary, दोनों का टाइम अलग अलग है। और संत कबीर was highly influenced by the Sheikh Ahmad Sarhindi, नहीं। आप थोड़ा देर के लिए कहते तो बाबा फरीद, इन सब का नाम आ सकता था लेकिन ये नहीं होगा। तो दोनों आप इनकरेक्ट है। राइट आंसर शुड बी द neither one nor two विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्लियर है ना, ऐसे क्वेश्चंस को आसानी से समझते चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यही चीज था, हिंदी भी अनुवादित है, इसका इंग्लिश देखिए। अच्छा इंग्लिश में पहले दिखाने का मतलब ये होता है कि आपकी एक्साइटमेंट और बढ़ जाए ताकि हिंदी तक आते आते जो है आप आसानी से सॉल्व कर सके, ठीक है। विथ रेफरेंस टू द कल्चर हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ठीक है। द मोस्ट ऑफ त्यागराज वर्क्स आर डिवोशनल सॉन्ग्स इन प्रेज ऑफ लॉर्ड कृष्ण, त्यागराज क्रिएटेड मेनी न्यू रागास, उसके बाद अन्नामाचार्य एंड त्यागराज आर द कंटेम्प्रेरीज। अन्नामाचार्य कीर्तन आर डिवोशनल सॉन्ग इन प्रेज ऑफ द लॉर्ड वेंकटेश्वरा। आपको इसमें बताना है कि वो कौन सा ऑप्शंस करेक्ट है, ध्यान से पढ़िए। हिंदी में पढ़ के मैं सुना देता हूं। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना आपको। पहला है कि त्यागराज की अधिकांश कृतियां भगवान कृष्ण की स्तुति के भक्ति गीत हैं। त्यागराज ने अनेक नए रागों का सृजन किया है। नेक्स्ट है अन्नामाचार्य और त्यागराज समकालीन थे। अन्नामाचार्य कीर्तन भगवान वेंकटेश्वर की स्तुति के भक्ति गीत है। अब आपको इसमें बताना है कि उपरोक्त में से कौन सा सही होगा, विच विल बी द करेक्ट आंसर। थोड़ा सा फास्ट कमेंट करते चलेंगे विच विल बी द करेक्ट आंसर। देखो त्यागराज की अधिकांश कृतियां भगवान कृष्ण की स्तुति में नहीं है, ठीक है। त्यागराज ने अनेक नए रागों का सृजन किया, त्यागराज राग का किया है। अन्नमाचार्य और त्यागराज समकालीन थे, नहीं ऐसा नहीं है। अन्नमाचार्य कीर्तन भगवान वेंकटेश्वर की स्तुति में भक्ति गीत है। आपका राइट आंसर 2 and 4 विल बी द करेक्ट आंसर। इसमें आपका केवल 2 और 4 आंसर हो जाएगा, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कह रहा है कि बीजक, ये तो क्वेश्चन गलती से भी गलती नहीं होनी चाहिए। बीजक इज द कंपाइलेशन ऑफ टीचिंग ऑफ दादू दयाल। पहली बात तो ये संत कबीर का है, संत कबीर के फॉलोअर को कबीरपंथी कहते हैं, ठीक है। और बीजक इनकी पवित्र ग्रंथ है, ठीक है। द फिलोसफी ऑफ पुष्टि मार्ग वॉज एस्टेब्लिश बाय द बल्लभाचार्य, क्या हो जाएगा बेटा, बल्लभाचार्य। तो ये भी क्वेश्चन के दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गए। इसका हिंदी देख लीजिए पहले। बीजक संत दादू दयाल की शिक्षाओं का एक संकलन है, बिल्कुल गलत। पुष्टि मार्ग का दर्शन माधवाचार्य ने, बल्लभाचार्य। तो आपका ना तो 1 ना तो 2, डी शुड बी द करेक्ट आंसर, डी शुड बी द करेक्ट आंसर, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ध्यान से देखिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद द रेफरेंस टू द सूफिज्म इन इंडियन हिस्ट्री, ठीक है, सूफिज्म इन द इंडियन हिस्ट्री। क्वेश्चन देखेंगे, शेख अहमद सरहिंदी वाज द कंटेम्प्रेरी ऑफ इब्राहिम लोदी। शेख अहमद सरहिंदी
वॉज द कंटेम्प्रेरी ऑफ इब्राहिम लोदी, पहला क्वेश्चन। दूसरा है कि शेख नसरुद्दीन चिराग दिलवी वॉज द डिसाइपल ऑफ शेख निजामुद्दीन औलिया। औरंगजेब वॉज द कंटेम्प्रेरी ऑफ शेख सलीम चिश्ती। द कादरी ऑर्डर ऑफ द सूफी वॉज द फर्स्ट स्टार्टेड इन इंडिया बाय द शेख नियामतुल्ला एंड मखदूम मोहम्मद जिलानी। बहुत सुंदर क्वेश्चन है, नाइस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सॉल्व कीजिए जरा। ये क्वेश्चन सॉल्व करवा चुका हूं मैं आप लोगों से, थोड़ा स्पीड में, थोड़ा सा फास्ट एवरीवन। हाउ मेनी ऑफ यू गाइस जो सॉल्व करता है, देखते हैं, थोड़ा सा फास्ट। स्पीड में आंसर्स करते चलिएगा, एक बार क्लास को ना थोड़ा थोड़ा शेयर करते चलो, क्या आंसर हो जाएगा। शेख अहमद सरहिंदी इब्राहिम लोदी के समकालीन थे। पहली बात तो इब्राहिम लोदी के समय शेख अहमद सरहिंदी क्या कर रहे हैं, ये ऑलरेडी किसके हैं, सैयद डायनेस्टी के समय का है, तो ये इनकरेक्ट। ऑलरेडी आपको पता है कि शेख अहमद सरहिंदी तारीख मुबारक शाही में किसके बारे में लिखते हैं, तो सैयद वंश के बारे में लिखते हैं। सैयद वंश में लिटरेचर पे बहुत सारा काम हुआ है। नेक्स्ट, शेख नसरुद्दीन चिराग दिलवी निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, बिल्कुल सही है ये स्टेटमेंट। नेक्स्ट है, औरंगजेब शेख सलीम चिश्ती के समकालीन थे, नहीं, ये अकबर थे, सलीम चिश्ती के समकालीन। सूफियों का कादरी सिलसिला भारत में सबसे पहले शेख नियामतुल्ला और मखदूम मोहम्मद जिलानी के आरंभ ने आरंभ किया, ये करेक्ट। आपका 1, 2, and 4 विल बी द करेक्ट आंसर, ऐसा स्टेटमेंट आपका डी में दिखता है, डी शुड बी द करेक्ट। क्लियर है, डी शुड बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एक तरफ है भक्ति सेन और दूसरी तरफ है प्रोफेशंस, ठीक है। नामदेव, कबीर, रविदास और आर्मी, आर्मी नहीं सेना होता है, सेना एक एक तरह से भक्ति का एक ग्रुप है। अब इसका आंसर कीजिए कि भक्ति संत और उनके पेशा क्या क्या था, थोड़ा सा फास्ट आंसर कीजिएगा, इजी क्वेश्चन, दिस इज द वेरी इजी क्वेश्चन। नामदेव, कबीर, रविदास, सेना, आप लोगों को सब स्टूडेंट को इतना तो जरूर पता होगा कि कबीर जो है ना सर जी जुल्हा थे, बी कर दो, बी का दो, ये या तो बी में होगा या तो सी में होगा। नामदेव, नामदेव प्रोफेशन से दर्जी थे, प्रोफेशन से क्या थे, दर्जी थे। स्पीड में आंसर्स करते चलिएगा सभी लोग, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा रविदास, रविदास वॉज एसोसिएटेड विद दी मोची और सेना नाइट, ठीक है। आपका क्या आंसर हो गया, विच इज द करेक्ट आंसर, बी शुड बी द करेक्ट। क्लियर है सभी लोग, देखिए 19 का सी कर रहे हो, कैसे सी हो जाएगा बताओ तो जरा, बी शुड बी द करेक्ट आंसर। मैं सॉल्व कर रहा हूं फिर भी गलती करना। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन एंड लीडर ऑफ द चिश्ती ऑर्डर इन इंडिया वाज द ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ठीक है। चिश्ती सिलसिला टुक इट्स नेम फ्रॉम द चिश्ती अ विलेज इन द अजमेर। इसमें क्या आंसर होगा, थोड़ा सा फास्ट कमेंट करके बताएं, इजी क्वेश्चन, दिस इज द इजीएस्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे सेशन। लीजिए, भारत में चिश्ती सिलसिला के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति और उनके उत्तरदायी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे, और ये पहले नॉर्दर्न इंडिया के सूफी भी हैं जिन्हें आप गरीब नवाज के नाम से जानते हैं, ठीक है। कंटेम्प्रेरी ऑफ गौरी भी है और पृथ्वीराज थर्ड भी है, ठीक है। चिश्ती सिलसिले ने अपना नाम अजमेर के गांव से लिया है, नहीं, एक सही है और आर गलत है, आपका राइट आंसर शुड बी द सी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तवक्कुल, देखिए ध्यान से, तवक्कुल बेशरा बशरा वली, बे मतलब के बगैर, बा का मतलब के साथ, बस आप आंसर्स कर लीजिए सभी लोग, बे का मतलब के बगैर बिना और बशरा मतलब के साथ, बस आंसर्स कर लीजिए स्पीड में। तवक्कुल, बेशरा, बशरा और वली क्या मतलब होता है, थोड़ा सा फास्ट स्पीड में आंसर्स करते चलिए, बहुत इजी है, अगर थोड़ा सा ध्यान दोगे आंसर्स आप लोग कर पाओगे, थोड़ा स्पीड में। तवक्कुल है मुझे किसी चीज का संतोष, क्या है, संतोष, थोड़ा सा स्पीड में आप लोग आंसर कीजिए पहले सभी के सभी, सभी बेशरा,
ना होना, बे मतलब के बगैर, ब मतलब, ब का मतलब होता है के साथ, ठीक है, से बंधा हुआ, ये मैंने बताया ना बे और ब। वली का मतलब शिक्षक, तवक्कुल का मतलब संतोष का पालन करना, ए विल बी द करेक्ट आंसर। ए वाले सभी लोग देखो इतना इजी क्वेश्चंस भी बी कर रहे हैं आंसर, क्यों बेटा कोमल गलती क्यों? मैक्सिमम लोग सही है, मैक्सिमम स्टूडेंट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशंस का। गुरु नानक, गुरु अर्जुन देव, गुरु रामदास, गुरु गोविंद सिंह जी, अब बताइए किन्होंने क्या किया है, ये आप बताना है आपको। गुरु नानक, गुरु अर्जुन देव, गुरु रामदास, गुरु गोविंद सिंह जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हालांकि ये बात आप लोग को अच्छे से पता भी होगा। चलिए थोड़ा फास्ट स्पीड बढ़ाते चलेंगे, लेकिन कुछ भी हो क्लास में आजकल टाइम लग ही जा रहा है, क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करने में टाइम लग जा रहा है। आज के क्वेश्चंस पहले के क्वेश्चंस के बनिस्बत, जो इससे पहले भी मैंने सेशंस कराए उससे फार बेटर, डे बाय डे इतने अच्छे क्वेश्चंस लेकर आ रहा हूँ कि एग्ज़ाम में जो स्टूडेंट यूट्यूब पे क्लासेस कर रहे हैं और पेड क्लासेस में भी है, वो श्योरिटी के साथ इस बार जो है रिजल्ट देंगे आप, ठीक है। तो थोड़ा सा ईमानदारी से पढ़ते चलें, और इस बार जिन लोगों का नेट हुआ है मैं उनसे एक्सपेक्ट करता हूँ GRF और बहुत अच्छे मार्क्स के साथ, ठीक है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। गुरु नानक, गुरु नानक, गुरु अर्जुन देव, गुरु रामदास, गुरु गोविंद सिंह जी। पहली बात कि आप गुरु गोविंद सिंह जी खालसा आर्मी की स्थापना करते, चलिए आप लोग ऐसे आंसर कीजिए जरा, विच विल बी द करेक्ट आंसर। इसमें आंसर क्या हो जाएगा? गुरु नानक, आनंद कारज गुरु ग्रंथ साहिब को संकलित किया, अर्जुन देव, बी का फोर आपका यहाँ पे है या तो यहाँ पे है, ठीक है। गुरु नानक, गुरु गोविंद सिंह जी खालसा आर्मी का निर्माण करता है, डी का टू इज हेयर। गुरु नानक लंगर की अवधारणा सबसे पहले इन्होंने आरंभ की थी। अब बच रहे हैं गुरु रामदास जी, दैट इज कॉल्ड द आनंद कारज। आपका राइट आंसर शुड बी द सी इज करेक्ट आंसर। है क्लियर है सभी को? सी शुड बी द करेक्ट आंसर। चलिए तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं, क्लास कैसा लगा फास्ट कमेंट करके बताएं, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। इसके साथ साथ हम थोड़ा सा चलते हैं कुछ टॉपिक की तरफ कि अब सवाल ये है कि सर क्लास, बहुत सारे स्टूडेंट्स अक्सर पूछते रहते हैं कि सर क्लास ज्वाइन करना है, क्लास ज्वाइन करना है, कैसे ज्वाइन करना है। एक तो आप सब लोग पहली बात की एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, इस वीडियो के बाद नीचे डिस्क्रिप्शन में javedsir.com करके उस पर एप्लीकेशन डाउनलोड करने का ऑप्शन, आप यहाँ पे क्या करें अड्डा 24/7 गूगल क्रोम पे खोल सकते हो। इस तरह से जब आप ओपन करते हो तो आपको दिखता है एक इंटरफेस, ऑल कोर्सेज में आप इंटर करते हैं, ऑल कोर्सेज में जैसे इंटर करते हैं आपको ऐसा दिखता है जैब कैब रेलवे टीचिंग FCI UGC। UGC में इंटर करने के बाद कोई भी सब्जेक्ट अगर कोई परचेस करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं हिस्ट्री की बात कर लेता हूँ, इसमें डबल वैलिडिटी रामनवमी की वजह से आज ही मिल रहा है आप सभी को। आप बाई पे गए और बाई पे जैसे जाते हैं आप एक कूपन इस्तेमाल करते हैं Y628 कूपन का इस्तेमाल करते हैं और आपको ये कोर्स 6 महीना लाइव और 6 महीना आपको वीडियोस के साथ मिल जाता है। तो ये आपके लिए ऑफर है, तो इस ऑफर का आनंद ज़रूर उठाएं Y628 का इस्तेमाल करके। तो साथियों आज की सेशंस में यहीं पे मैं विराम देता हूँ। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, गुड लक, गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत।